लोगों की हालत ख़राब हुई हुई है सबकी। प्रेस पे चल रहा है कि भाई ChatGPT 4 आ रहा है और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा। सही है। तो और एक तरफ जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, कुछ ना एक दो चीज़ें होंगी जो ChatGPT में हमें ऑलरेडी पता चल गई है। ChatGPT 4 जस्ट उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। मतलब कोई ऐसी बला चीज़ भी नहीं है, वही चीज़ है, जस्ट उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। अच्छा, ChatGPT सब कुछ नहीं कर सकता, एक तो ये सबसे पहले चीज़ जहन में डाल लें आप। ChatGPT वही चीज़ें कर सकता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद हैं। सही है। अच्छा, तो नंबर एक चीज़ क्या होगी ChatGPT 4 के आने से? 3 से ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन 4 में वही चीज़ एग्जैजरेट होगी सर। क्या मुश्किल सा वर्ड है यार, क्या एग्जैजरेट होगी। अच्छा, नंबर एक चीज़, डेवलपर्स आधे भाग जाएंगे और जो रह जाएंगे वो जो $100 चार्ज कर रहा था ना, वो 800, 900, 1000 डॉलर चार्ज करेगा घंटे के। हाँ, ये अच्छा सवाल है। असल में ChatGPT ना छोटू वाले सारे काम ChatGPT कर लेता है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना होता क्या था, जॉब्स इतनी ज़्यादा जो थी ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसका चक्कर ये था, लोग कह रहे हैं ना जॉब ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, होगा क्या वो समझा रहा हूँ मैं आपको कि क्या ख़त्म हो जाएगा उसके से। जॉब तो ख़त्म कभी भी नहीं होगी सॉफ्टवेयर डेवलपर की, अगले 20-25 सालों में तो ख़त्म नहीं होगी एटलीस्ट, उसके बाद की शायद कहानी कुछ और हो। तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का केस ये है कि जैसे ही कोई बंदा कुछ सीखता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, थोड़ी बहुत चीज़, मिसाल के तौर पर 6 महीने 8 महीने लगा के किसी ने मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीख ली या इस तरह की कोई चीज़, तो उसको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। अच्छा, वो जॉब लेकिन जो मिलती है ना, वो असल में छोटू वाली जॉब मिलती है। सही है। तो अब वो छोटू करता क्या है, वो क्या करता है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं ना सारे, मेन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होती है वो तो कोई सीनियर कर रहा होता है। इसको जो काम दिए जाते हैं छोटे मोटे, के यार फला मॉड्यूल बना दो, ये कर दो, एक फंक्शन लिख दो जिसमें इनपुट ये आउटपुट ये मिल जाता हो, ठीक है, इस तरह के। उस जाहिर है कि वेब एप्लीकेशन बन रही है तो उसमें कुछ स्क्रीन ऐसी हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आमतौर पर वो इसको दिया जाता है। इससे कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि यार इस एप्लीकेशन का ना आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो, या फ्रॉम स्क्रैच इसको कभी नहीं दी जाएगी एप्लीकेशन बनाने के लिए कि कौन सी फाइल कौन सा फोल्डर, फोल्डर स्ट्रक्चर उसको बनाकर देगा कोई। सही है, उस पर ये काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो उसके काम की इंस्पेक्शन भी होगी और फिर उसको मेन कोड में शामिल किया जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में। अच्छा, ये छोटू सारे ना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ChatGPT में अभी मैं कल परसों कोई देख रहा था, वो एक प्लेटफॉर्म किसी ने बना भी दिया, और बहुत ऑब्वियस बात है ये होना ही था कि आप उसमें ना लिखते हैं कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जो ऐसे ऐसे काम करती हो, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अभी किसी को पता है तो बताना, ऐसे ऐसे काम करती हो, 4 पेजेस हों, एक होम के हों और इसके हों, और वो वेबसाइट किस चीज़ की है, रेफ्रिजरेटर बेचने की वेबसाइट है या हेयर ड्रेसर की वेबसाइट है, और उसका कलर थीम क्या है, वो पूरा टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और वो मुझे वेबसाइट बना के दे देता है 4 पेजेस की 5 पेजेस की। अब मैं उसको बोलूँगा रिएक्ट में बना दो तो रिएक्ट में बना देगा, किसी और फ्रेमवर्क में व्यू पे बोलूँगा तो व्यू में बना देगा, समझ लो, ये हो चुका है। तो ये छोटू जो है ना सारे, अब इसका काम ख़त्म, इनका एक बंदा जिसके साथ 4 अदद छोटू चाहिए होते थे, अब वो अकेला बंदा ही काफ़ी है, या शायद 4 की जगह अब एक छोटू चलेगा, और वो छोटू भी होगा जिसको ChatGPT की नो हाउ होगी या जनरेटिव AI का टूल उसको इस्तेमाल करना आता होगा। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ChatGPT का डेडिकेटेड कोर्स भी शुरू करने लगे हैं यहाँ पे सैलानी में, तो उसमें भी ये चीज़ें हम देखेंगे जनरेटिव AI को चलाना कैसे है। सही ना, ये तो AI एज अ सर्विस के दौर में हम जी रहे हैं, तो AI एज अ सर्विस का जो चक्कर है वो ये है कि बनी बनाई AI है, उसको इस्तेमाल करना है जस्ट हमें। अब ये कोर्स जो अभी भी हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं डायलॉग फ्लो और जो क्या कहते हैं चैट बॉट्स, तो ये सारा AI एज अ सर्विस पढ़ रहे हैं, हमने खुद कोई AI का मॉडल ट्रेन नहीं किया, बने बनाए मॉडल है डायलॉग फ्लो के जैसे, उसको हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच का बना हुआ एक मॉडल है, स्पीच टू टेक्स्ट एक बना हुआ मॉडल है, अभी विस्पर बल्कि आया हुआ है, मैंने आज लगाया है उसको, आया हुआ तो खैर बहुत पहले से है विस्पर, लेकिन अब उसकी API आ गई है। 2-4 दिन पहले मुझे ईमेल आई थी कि हमने उसकी API इंट्रोड्यूस कर दी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, बहुत सिंपल API है। और पहले क्या होता था कि विस्पर का वो पूरा एल्गोरिथम डाउनलोड करना होता था,
और फिर उसको चलाना होता था अपनी मशीन में या गूगल पे मशीन ख़रीद के, EC2 का इंस्टेंस कुछ ख़रीद के ना उसमें चलाना होता था उसको, और उसकी वो अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन थी, उसमें 60-70 GB रैम उसको चाहिए होती थी चलने के लिए। तो वो मसला ख़त्म हो गया। अभी इन्होंने कंप्यूटर लगा दिए Azure के पीछे बिहाइंड द सीन, और हम यहाँ से जस्ट API कॉल करते हैं, पैसे पे करते हैं, वो चलता है। Whisper क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट की API है। कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा bottleneck जो था ना, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। सबसे बड़ा bottleneck जो था वॉइस कंप्यूटिंग में, कि जब आप बोलते थे ना, उसको समझ ही नहीं आता था गधे को कि बोला क्या है। मेरे पास गूगल असिस्टेंट घर पे मैं डेली यूज़ करता हूँ, मतलब टाइम वाइम पूछ लिया उससे, या कुछ उससे सॉन्ग वॉन्ग चलवा लिया, या कोई ऐसी बात पूछ ली, कोई फैक्ट एंड फिगर्स पूछ लिए, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है उसको समझ ही नहीं आता कि मैंने बोला क्या है। अच्छा, सीरी जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि सीरी भी मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा होता हूँ, साथ में फ़ोन कैरी करता हूँ, तो ज़ाहिर है सीरी चल रही होती है। अच्छा, सीरी भी निस्बतन बेटर है गूगल असिस्टेंट से, लेकिन अप टू द पॉइंट नहीं है। कभी कभी उसको बोला ना कि टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो वो सामने से बोलती है कि फ्लैश लाइट इज़ ऑलरेडी टर्न ऑफ, मतलब ऑन ऑफ को कभी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। कॉन्टेक्स्चुअल है ना वो, तो कॉन्टेक्स्ट तो उसको पता चल जाता है कि फ्लैश लाइट की बात हो रही है, और इस एक जुमले में एक सर्टेन जगह पे उसको ये भी पता है कि या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो अगर जो मैंने तो बोला है ऑन, लेकिन अगर उसको ऑन नहीं लगा ना, तो वो उसको बाई डिफॉल्ट ऑफ समझती है। तो वो समटाइम वो बोलती है कि भाई फ्लैश लाइट इज़ ऑलरेडी टर्न ऑफ। अभी मे भी डेमो करके दिखाऊँ आपको, तो पता चले हैं। नहीं नहीं, मैं उसको बोलूँगा ना, हे सीरी, हे सीरी, टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अभी तो उसको सही पता चल रहा है। हे सीरी, हे सीरी, टर्न ऑफ फ्लैश लाइट। ओके, आई टर्न टॉर्च ऑफ। अभी तो उसको समझ आ रहा है सही, लेकिन सम टाइम ना दूर रखा होता है जब फ़ोन, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, गड़बड़ करता है। तो ये सबसे बड़ा बॉटल नेक था वॉइस कंप्यूटिंग के अंदर। चैट बॉट तो बड़े एडवांस हो गए, चैट जीपीटी की शक्ल में आप देख ही रहे हैं उसको। अब इसका जो वॉइस वाला वर्जन होगा ना, दैट वुड बी अ रेवोल्यूशन, दैट वुड बी अ गोल्ड रश। ये चैट जीपीटी तो कुछ भी गोल्ड रश नहीं है जो ये होने वाला है। वो ये इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से, 2016 से आप काउंट कर लें, मैं ये उस वक्त से बता रहा हूँ कि वॉइस कंप्यूटर इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। वॉइस पे चलने वाली जो डिवाइसेस हैं, दैट इज़ अल्टीमेट सॉल्यूशन। क्योंकि इंसान का एक्सपीरियंस टच करने का, टाइप करने का इतना नहीं है जितना बोलने का। जिस तरह मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ, आप बात को समझ रहे हैं, लिख के और पढ़ के इस तरह नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी ATM लगे हुए हैं, ये जितने भी मोबाइल डिवाइसेज हैं, ये सब वॉइस पे होने जा रही हैं कुछ दिनों में, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते थे मेरे दोस्त के, यार नवंबर इस पे एक्सेल शीट इस पे कैसे होगी, फोटोशॉप इस पे कैसे चलेगा, है ना, फोटोशॉप बोल के कैसे चला सकते हैं फोटोशॉप को। तो वो चैट GPT के आने से ना क्लियर हो गया सब, कि सब हो सकता है भाई बोल के। भाई मैं किसी बंदे को जब बोलूँगा, किसी बंदे को इंस्ट्रक्शन बोल के ही दूँगा ना मैं। आप ज़िंदगी में ह्यूमंस आपस में जो प्राइमरी इंट्रैक्शन इंटरफेस है जो ह्यूमंस का, वो बोल के, बड़े से बड़ा काम जो है ना बोल के होता है। चाहे वो किसी कमांडर को अपनी फ़ौज को इंस्ट्रक्शन देनी हो कि जाके पूरा मुल्क तबाह करके आ जाओ, या किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को आइडिया कन्वे करना हो कि यार अच्छा यार ऐसा लोगो बनाना है या इस तरह का बैनर बनाना है, ठीक है। या तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो जो मूवी बना रहा हो, वो भी एक्टर को बोल के समझाता है ना, और वो प्रोड्यूसर भी बोल के करता है कि मैं किस टॉपिक पर मूवी बनाना चाह रहा हूँ, वो सारा बोल के होता है। जितने भी दुनिया के कारोबार चल रहे हैं, वो सब बोल के आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जब एक बंदे को मैं बोल के समझा सकता हूँ कि क्या बनाना है बैनर में, तो मैं फिर एक मशीन को भी समझा सकता हूँ। बट दैट इज़ अ डिफरेंट इंटरफेस। इससे पहले जो इंटरफेसेस थे, उसमें वो बटन शटन बने हुए थे, हम गलत सिमत में जा रहे थे, वी वर थिंकिंग रॉन्ग। सही डायरेक्शन में ना अब गई है कंप्यूटिंग में, सही डायरेक्शन अब हुआ है इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, सही तो अभी भी खैर नहीं हुआ है जो, हाँ वो इंटरनली जो है ना, ये जिस पे चलता है वो असल में चलता है टोकन्स के ऊपर, और वो टोकन के स्ट्रिंग पे चलता है। तो वो अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट अगले 10 सालों के लिए तो ये बहुत है, 10 साल तो बल्कि मैंने ज़्यादा कर दिया, 5 साल के लिए बहुत है ये। अगले इसके आने से
कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों को कि हाँ यार वॉइस पे चीज़ें हो सकती हैं और फिर होना शुरू होंगी, फिर डायरेक्शन तो सही हो ही जाएगा, वो उसका मसला नहीं है। अभी भी ना ये अंडरस्टैंडिंग इसकी वो वाली नहीं है जो असल में होनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी के अंडर द हुड जो चल रहा है ना, जो सीन चल रहा है, तो वो उसको ये नहीं पता कि वो क्या जवाब दे रहा है, वो बस टोकन समझता है, आपने जो बोला वो भी टोकन और वो सामने से वो भी टोकन जो वो दे रहा है। चैट जीपीटी के लिए एवरी वर्ड इज़ अ टोकन। अब कौन सा टोकन अप्रोप्रिएट है ना, जो आपने बात लिखी है उसके बाद कौन सा टोकन मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट है, वो लाके वहाँ रख देता है, दैट्स इट, एंड समहाउ इट इज़ वर्किंग वेरी गुड। ठीक है, अच्छा फाइन ट्यूनिंग है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ों पर लेयर लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर फिल्टर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सीधा सीधा आप जो बेस्ट टोकन है वो ला के दे दें, क्योंकि वो बेस्ट टोकन जो है वो जिब्रिश है, उस पर कुछ एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं कि सामने से जो बात कह रहा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, तो ग्रामेटिकली करेक्टनेस का बीच में लेयर तो ज़ाहिर है लगा हुआ है, जब ही तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट करके लाता है, तो वो बेस्ट टोकन जो AI डिसाइड करता है उसमें से एक लेयर लगी हुई है जो वो चुनती है कि ग्रामेटिकली यहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए करेक्ट, तो वो समहाउ जो है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ऐसा लग रहा है कि आपको बात कर रहे हो। तो जिस तरह से मीडिया ने इसको हाइप दिया ना, चैट GPT 3.5 जो आखिरी चल रहा था उसको, एक्चुअल में वो उतना कैपेबल नहीं है, पहला तो ये फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। जो 4 आने वाला है वो इसी अप्रोच पे, वो डेटा पॉइंट ज़्यादा हैं, जस्ट दैट्स इट, अप्रोच यही है, उसके डेटा पॉइंट ज़्यादा हैं। डेटा पॉइंट ज़्यादा का मतलब है कि उसका आंसर मज़ीद एक्यूरेट होगा, और जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसकी, वो टेम्परेचर वेरिएशन करके एक चीज़ है, वो थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन होगी उसकी बात में, क्योंकि सम टाइम अभी अगर उससे कोई बात पूछो ना तो वो सिमिलर आंसर्स दे रहा है। अगर मैं उससे जाके ये पूछूँ कि व्हाट इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो मैं अगर 10 दफ़ा पूछूँगा ना तो वो मोर और लेस सेम बात कर रहा है, और एक ही जगह से वो उठा के ला रहा है, और जो आर्टिकल एग्जिस्ट भी नहीं करता, ख़त्म हो गया, आर्काइव हो चुका है, तो वो पुराना पता नहीं क्रॉल किया हुआ कोई डेटा है आउट ऑफ डेट, तो उस पर अभी चल रहा था ये, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है क्योंकि कंप्यूटिंग पावर इनके पास आ गई है माइक्रोसॉफ्ट Azure की तरफ से। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि होगा क्या, चैट GPT 3 के आने के बाद, या 4 कह लो 3 कह लो, एक ही बात है, ये छोटू सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो रह जाएगा, क्योंकि फ़ौरन सीखते थे आप, फ़ौरन आपको जॉब मिल जाती थी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एज अ छोटू आप ट्रेन होते थे, फिर 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन जाते थे, उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर जो है ना वो करियर चल रहा होता था। अब लेकिन क्या होगा कि आप जब तक प्रॉपर ट्रेन नहीं हो जाते एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको जॉब नहीं मिलेगी, सही है, तो नंबर एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे 6 महीने लगता था वहाँ पे आप 1 साल लगाना पड़ेगा आपको, जहाँ पे 1 साल लगता था वहाँ पे 2 साल लगाना पड़ेगा, तो एंट्री थोड़ी मुश्किल हो गई है इसमें। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के ऑलरेडी 6-8 महीने लग चुके हैं, तो आपने वो टाइम तो क्रॉस कर लिया है 6 महीने वाला, अब आगे के 6 महीने और हैं, वो आप क्रॉस करेंगे तो आप डेवलपर की स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, अब न्यू कमर वाला सीन आपके साथ नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। अब क्योंकि एंट्री इसकी मुश्किल हो जाएगी ना, तो लोग भागेंगे फिर इससे, अभी तो मुश्किल है ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब और मुश्किल एंट्री हो जाएगी जब इसकी, तो फिर लोग भाग जाएंगे, जो सख्त मेहनत करना चाहते हैं सिर्फ, या जो बहुत ही डेडिकेटेड है, या जो बिल्कुल पैशन की हद तक प्यार है प्रोग्रामिंग से, वही लोग टिकेंगे, बाकी सारे शार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंट कमी आएगी डेवलपर्स की तादाद में। अच्छा, और डिमांड और सप्लाई का चक्कर है भाई, डेवलपर जितना मुश्किल काम अभी करता है उससे ज़्यादा मुश्किल काम डेवलपर करेगा, आसान आसान काम सारे चैट GPT करेगा, और इंक्रीज़ हो जाएगी इनकी जो इनकम है ना, वो बढ़ जाएगी, तो वो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करते हैं कि विनर टेक ऑल की एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आर यू विनर, और व्हाट इट टेक्स टू बी विनर, ये एक सवाल है। अच्छा, एक तो ये वाली चीज़ हो गई, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, कुछ लोग कह रहे हैं यार सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं और ये जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा एक डाउन साइड होने वाला है, वो होने वाला है इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, जो मुझे डर है कि ये हो जाएगा, ये होने जा रहा है। रीज़न उसका क्या है कि बंदे ना सारे, वो अभी आपने देखा इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं यार इससे आर्टिकल इससे लिखवाओ और वो कंटेंट राइटिंग इससे करवाओ, अब वो है चैट GPT का जो मेन जो है ना,
जो ओपन एआई का जो बड़ा मॉडल है उसी की एक लेयर है चैट जीपीटी असल में, मेनली तो एक ही मॉडल है जिसको वो ओपन एआई कहते हैं। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से आई है, वो इंटरनेट पे जो करंट डेटा है ना वहाँ से आई है। अच्छा, इंटरनेट पे जो करंट डेटा है वो कहाँ से आया, वो किसी ने अपलोड किया है, किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, किसी ने यूट्यूब की वीडियो बनाई है। अच्छा, तो वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग थे जो ये काम कर रहे थे बैठ के, है ना। मतलब इंटेलेक्चुअल लोग ये नहीं मैं क्लेम कर रहा, लेकिन वो है इंटेलेक्चुअल, जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने किया है वो इंटेलेक्चुअल है। हाँ, अपना दिमाग यूज़ करते हुए और अपना बेस्ट उन्होंने दिया है। अच्छा, वो और वो नॉलेज है जो इसकी लगा हुआ है इसके इंजन के अंदर। अच्छा, वहाँ से हमें निकल निकल के आ रही है नॉलेज। तो असल में हम जो इम्प्रेस हो रहे हैं वो हम चैट जीपीटी से नहीं हो रहे, हम उन लोगों से इम्प्रेस हो रहे हैं जिन्होंने वो डेटा लिख दिया था इंटरनेट पे, जो भर के रखा हुआ है इतना सारा डेटा, हम उन लोगों से इम्प्रेस हो रहे हैं, उनकी बातों से इम्प्रेस हो रहे हैं। असल में अभी तक जो लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो पे सवाल जवाब किए हुए हैं, या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन जो है, हम जब कहते हैं ना कि राइट अ पाइथन कोड टू ऐड टू नंबर, या इस तरह का रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कोड लिख दो, या एक्स वाई जेड कोई भी हम कोड लिखते हैं, तो वो उस रिटर्न डेटा में से उठा के ला रहा है। अच्छा, बंदे कहेंगे कि नहीं यार, वो रिटर्न डेटा में से तो ला रहा है, लेकिन वो अपना जनरेट कर रहा है ना भाई, अपना नहीं कर रहा जनरेट। ये भी समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो अपना नहीं कर रहा जनरेट, वो उसी को लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे ना इसके डॉक्यूमेंट में, तो इन्होंने कहा है कि जो ओपन एआई है ना, वो कंप्लीशन मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कह रहा है कि दुनिया का बेस्ट ऑटो कम्प्लीट है ये। अब ऑटो कम्प्लीट क्या होता है, मिसाल के तौर पे कहीं कंट्री का नाम लिखना है, तो आपने लिखा ना पी ए के, तो नीचे वो ऑटोमेटिक कहता है कि अभी पाकिस्तान हो सकता है, ये एक सिंपल सा ऑटो कम्प्लीट ये होता है। या आपने अगर यू लिखा ना, तो नीचे सजेशन में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूएई सब आ जाएगा। अच्छा, यू के बाद आपने एन लिखा ना, तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट आएगा, क्योंकि और कोई कंट्री यू और एन से नहीं है। तो ये ऑटो कम्प्लीट ये होता है। तो उन्होंने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ओपन एआई इज नथिंग बट द बेस्ट ऑटो कम्प्लीट इन द वर्ल्ड। अच्छा, इस ऑटो कम्प्लीट की खास बात ये कि ये एक लेटर या एक वर्ड कम्प्लीट नहीं करता, ये ऑटो कम्प्लीशन में आप एक वर्ड लिखते हैं, ये पूरा पैराग्राफ आगे कम्प्लीट मारता है। असल में ये चक्कर है। तो वो असल में वो उसी में से उठा उठा के ला रहा है, टोकन समझता है ये। अगर इसको आपने कोई डेटा दिया ना ट्रेनिंग डेटा के तौर पे, तो उस डेटा को ये नहीं समझता कि उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें क्या बात हो रही है, उसको टोकन समझता है। अच्छा, अभी तक की जितनी एआई के मॉडल चल रहे थे, जिसमें आप सेंटिमेंट एनालिसिस को लगा लें या ट्रांसलेशन को लगा लें, वो सब भी टोकन पे ही चलते हैं, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस में असल में क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में जितने वर्ड है ना, मेरे ख्याल है 20,000 वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में आज तक जितने भी इंग्लिश के वर्ड बने हैं, उसमें से वो क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये वर्ड जो है वो हार्ड है और ये वर्ड जो है वो सॉफ्ट है, क्लासीफाई किया हुआ है। फिर हार्ड में उन्होंने बना लिया कि अच्छा इसका लेवल वन हार्ड, लेवल टू हार्ड, लेवल थ्री हार्ड, सॉफ्ट में लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री हार्ड। अब जो भी आप उसको टेक्स्ट देते हैं ना, उसमें वो ढूंढता है कि वो टोकन अलग करता है और मैच करता है कि कितना इस वाले में आ रहा है, कितना इस वाले में आ रहा है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्लासिफिकेशन, अगर उसमें ज़्यादा टोकन हार्ड वाले हैं तो वो हार्ड वर्ड है, जुमला हार्ड है, वो हार्श जुमला है, और अगर ज़्यादा टोकन कम वाले हैं तो वो कम वाले हैं। अब ये मैंने लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री किया ना, उसमें उन्होंने कई और क्लासिफिकेशन की हुई है कि वो हैप्पी, एक्साइटेड, एक्साइटेड भी वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन करता इसी तरह कि हैप्पीनेस में कौन से जुमले बोलता है बंदा, है ना, एक्साइटेड में कौन से जुमले, कौन से वर्ड्स बोलता है, टोकन बोलता है, तो वो टोकन तलाश करता है, दैट्स इट। अच्छा, अब वो टोकन के अंदर भी कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन है कि किस टोकन के बाद कौन सा टोकन आएगा तो ये ज़्यादा और हार्श बन जाता है। तो वो दो दो टोकन, तीन तीन टोकन के पेयर बना के भी पहले से रखे हैं, तो वो इस तरह से असल में पता चल रहा होता है। तो वो असल में उसको नहीं पता कि आपने कोई गाली दी है, वो तो टोकन को देखता है और बोलता है कि यार ये हार्ड वर्ड है। अच्छा, तो वो किस बेसिस पे बता रहा है हार्ड वर्ड है? वो उस बेसिस पे बता रहा है कि जिस बंदे ने उस मॉडल को ट्रेन किया है ना, उसके ख्याल में वो वर्ड हार्ड था तो हार्ड कर दिया उसने। अगर वही वर्ड कोई दूसरी सिविलाइजेशन हो और उसके नज़दीक वो एक सर्टेन वर्ड ना, अगर वो हार्ड नहीं है तो वो उसको सॉफ्ट में डालेंगे, तो फिर वो एआई का मॉडल उसको सॉफ्ट बताएगा, वो बोलेगा ठीक है ये जुमला। समझ रहे हो बात? तो ये ओपन एआई के अंदर भी जब आप उसको बोलते हैं ना कि भाई राइट एन एसे ऑन काओ, तो वो काओ के ऊपर जितने पैराग्राफ्स हैं ना जिसमें काओ का जिक्र आया है, वो बेस्ट ऑटो कम्प्लीट करता है, उसमें से वो सारे वर्ड्स उठा के और उसको रीअरेंज करके वो ला के आपको दे देता है।
अब वो रीअरेंज करने से, और वो फिर चेक भी करता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो अगर एक दफ़ा नहीं होता तो दोबारा वो बोलता है दोबारा लाओ ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, वो फिर आ जाता है, फिर ग्रामेटिकली करेक्ट एक जुमला आ जाता है, आपको लगता है यार वाह यार ये तो ऐसे लिख दिया इसने, वो असल में ऐसे नहीं लिखता, वो उसी पुराने लिखे हुए वर्ड्स को रीअरेंज करके वापस ले आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन एआई कभी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं ईजाद कर सकता जो पहले से किसी ने सुना या बोला ना हो, सही है, इसका मतलब है क्रिएटिविटी नहीं है उसके अंदर, कोई फ्रॉम स्क्रैच कोई चीज़ जनरेट नहीं करेगा वो, समझ रहे हो ना बात, अगर कोई कोई ऐसा वर्ड क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी वो वर्ड ना हो, कोई ऐसा वर्ड मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मतलब है कोई ऐसी नॉलेज भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं जो पहले से इंटरनेट पे ना हो। अब ये जो लोग आर्टिकल इसके ऊपर लिख रहे हैं ना, और ये जो पैराग्राफ्स लिख रहे हैं और जो कोडिंग जो भी लिख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपना इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई ये भी कर रहा हो कि उससे पैराग्राफ लिखवा के फिर खुद उसको चेक करता हो, डबल चेक, और अपना इंटेलेक्चुअल भी उसमें शामिल करता हो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जो लोग उससे आर्टिकल और ये चीज़ें लिखवा रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा इंटेलेक्चुअल यहाँ रुक जाएगा, और मास लेवल पे ये चीज़ होने वाली है, बहुत बड़े मास लेवल पे, तो हमारा इंटेलेक्चुअल यहाँ पे रुक जाएगा, फिर हमारा अपना इंटेलेक्चुअल, अच्छा जब इंटेलेक्चुअल रुक जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा, फिर तो ये अल्टीमेटली हम ना इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं, चैट जीपीटी की वजह से इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं, का मतलब ये कि हर बंदा ना डिपेंडेंट हो जाएगा उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से पूछूं कि यार मसला है कश्मीर पे आपकी क्या ओपिनियन है आपका, असल में इंटेलेक्चुअल क्या है, ये भी तो एक सवाल है ना कि इंटेलेक्चुअल क्या है, कोई बता सकते हैं आप एक इंटेलेक्चुअल किस चीज़ को कहते हैं? जैसे मसला है कश्मीर पे मैं आपसे, यार आप क्या समझते हैं मसला है कश्मीर को, क्या समझते हैं आप, एक मैं आपसे ओपिनियन अगर ले रहा हूँ, तो वो आप ओपिनियन कहाँ से देते हैं? आप ओपिनियन आपने कहीं से कोई नॉलेज एक्वायर की होती है, आप लोगों से मिले होते हैं, करंट सिचुएशन, फिर रिलीजन की भी आपको नॉलेज होती है, फिर डेमोग्राफिक्स की एक क्या उसको कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज होती है आपके पास, इन सारी नॉलेज को मिला के ना आप एक कॉन्क्लूजन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओपिनियन कह लेते हैं, आप किसी का ओपिनियन है ना, कि हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है, तो उसको हम ओपिनियन कहते हैं, कि नॉलेज वगैरह एक्वायर करके डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट लोगों से, और उस जगह का जो सर्टेन सिनेरियो उसको देख कर या उसके बारे में पढ़ के हम एक अपना ओपिनियन, अपनी एक राय कायम करते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट राय, अच्छा ये राय हर बंदे की अपनी होती है, इंडिविजुअल होती है, एंड दैट इज इंडिविजुअलिटी ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स में ये नहीं होता, एनिमल्स आर नॉट स्टोरी टेलिंग, वैसे तो हम भी एनिमल हैं, लेकिन एक आम एनिमल में और हम में जो डिफरेंस है कि वी आर द ओनली स्टोरी टेलिंग एनिमल्स, हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं अपने बारे में और दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी स्टोरीज को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, मेमोरेबल बनाते हैं, तो ये हम में और एक एनिमल में ये डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी वगैरह वो सारी एक तरफ, लेकिन कहानी शुरू यहीं से होती है, सारी कहानी शुरू यहीं से होती है, इवन दो कि इन्वेंशन की तरफ भी हम यहीं से जाते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, दिस इज़ द वेरी ह्यूमन, दिस इज़ वेरी ह्यूमन थिंग, ये कोई और एनिमल ये काम नहीं करता, आपस में बात, अच्छा आपस में बात करने की वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलके एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं, लैंग्वेज डेवलप करने के बाद फिर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं और उन प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई मसरूफियत भी तो चाहिए हमें ना, हमें इंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो हम उस मसरूफियत ढूंढने के लिए ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये इन्वेंशन सारी फिर आती है, ये सब आगे इससे ही शुरू होता है। तो स्टोरी टेलिंग इज़ द वेरी ह्यूमन थिंग, ये कंप्यूटर्स में कभी भी नहीं हो सकती, तो हम मे भी हम इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की तरफ चले जाएं इसके आने से। अच्छा, फिर हम अभी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बढ़ क्या रहे हैं, हमारे पर पिछले 20 साल से मुसल्लत है, हमें पता नहीं था, अब लोगों ने ओपनली इस पर बात करना शुरू की है तो अब समझ आ रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, और साइबर अटैक भी इसमें शामिल है, चार पांच चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अभी इस पर मैं एक पेपर भी लिख रहा था, वो आप लोगों से शेयर करूंगा अगर मौका मिला तो।
फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में ना अभी अमेरिका ने क्लियरली कहीं पे मेंशन तो नहीं किया, लेकिन प्रेस में यही सब लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की थी अमेरिका ने कुछ अर्से पहले। तो वो जब प्रेस ने पूछा कि क्यों इसको बैन कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं था गवर्नमेंट के पास क्यों कर रहे थे बैन। बस वो ये आए बाय शाये वाली बात कि वो डेटा कैसे ले रहा है, डेटा कैसे ले रहा है जब तक कोई खुद कंसेंट नहीं करेगा, क्योंकि कंसेंट का तो लॉ है ना अमेरिका में, ये बना हुआ है लॉ कि कंसेंट के बगैर आप कोई डेटा नहीं ले सकते। उसको वो चेक कैसे करते हैं, उसको वो चेक ऐसे सिंपल तरीके से करते हैं, एक नया फ़ोन लेते हैं, एक रैंडम उसमें आईडी बनाते हैं, उसमें इंस्टॉल करते हैं और बीच में इंटरसेप्टर लगा दो सिस्को का, वो तो हमारा सीसीओ का बच्चा कोई भी आएगा ना उससे आप बोलेंगे ये कर सकता है वो काम। वो पैकेज ट्रेसर होता है उसका, वो पैकेट ट्रेसर से जब गुजर के जाएगा ना उसका इंटरनेट का डेटा, तो वो क्या जा रहा है ना उधर वो पता चल जाता है। अब इनक्रिप्टेड हो जो भी हो, यहाँ तो की मौजूद है ना इसी से तो इनक्रिप्ट हो रहा है, वो डिक्रिप्ट भी हो जाता है कि यहाँ से वो क्या लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई काम कर नहीं सकता कोई अमेरिका में, कभी भी नहीं कर सकता ये। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है जो उसने वजह बताई है। वो असल में ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का वेपन है टिकटॉक। अच्छा कैसे है, जो अंदर की खबरें, अंदर की खबरों का मतलब ये है कि जो उनके रिटायर्ड रिटायर्ड है ना CIA के और FBI के और रिटायर्ड, वो पॉडकास्ट वगैरह में आके वो बात करते हैं ये वाली। अच्छा वो इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि जो रिटायर्ड बंदा जाके बात कर रहा है ना कहीं और, तो वो अपना ओपिनियन है उसका, ठीक है, वो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वो भी उसने इसलिए कहा है कि वो कल को लोग ये ना खड़े हो जाएं कि यार ये तो कह रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो वो उन लोगों की अगर आप बातें सुनेंगे ना, अब ये जो रोगन के पॉडकास्ट और टिकटॉक पर जिक्र हो रहा था, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का वेपन है। अच्छा क्या है वेपन, प्रोपेगेंडा मशीन है ये। इससे पहले नहीं, टाइम तो क्या ही ज़ाया कर रहा है वो, तो टाइम तो और भी बहुत चीज़ें ज़ाया कर रही हैं ना, टाइम तो और भी बहुत चीज़ें ज़ाया कर रही हैं, लेकिन टिकटॉक से क्या स्पेशल प्रॉब्लम है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है। प्रोपेगेंडा मशीन क्या होता है कि मैं कोई बात बोलूं यहाँ से और वो बात और लोगों तक फैल जाए, कोई मैं प्रोपेगेट कहते हैं ना, प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलना। अब मैं ये खबर फैला दूँ कि भाई कल ना फला चीज़ होने वाली है, या अगले महीने की इस तारीख को ना, जैसे वो बीच में तुम लोगों ने सुना होगा कि 2012 में क़यामत आने वाली है, एक अजीब सी बात थी लेकिन प्रोपेगेट हो गई थी। कैसे प्रोपेगेट हुई वो, किसी ना किसी का एक्सपेरिमेंट था वो, तो किसी ना किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके नतीजे में आपको ये सुनने को मिला कि 2012 में, इवन दो के मूवीज़ बन गई उस पर। तो ये प्रोपेगेशन जो है ना, प्रोपेगेंडा जो है, वर्ड तो अक्सर सुनते रहते होंगे आपके, यार ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का क्या मतलब है, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का क्या मतलब है, उसके बारे में गलत सलत बातें फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, या कोई अंदर की बातें निकाल निकाल के ना, छोटी छोटी बात उसको बड़ा बड़ा बना के और वो मीडिया पे चला देना, या इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये प्रोपेगेंडा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। प्रोपेगेंडा का मतलब बात फैलाना जस्ट। अब मिसाल के तौर पे कोविड में मास्क लगाने का प्रोपेगेंडा फैलाया गया टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मास्क फैलाने का और अवेयरनेस का प्रोपेगेट किया गया, कि अवेयरनेस को प्रोपेगेट किया कोविड को लेकर कि यार कोविड में ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे प्रोटेक्शन, ठीक है। वो अच्छा प्रोपेगेंडा था बुरा था, दैट इज़ नॉट द थिंग। वो प्रोपेगेंडा मशीन है ये टिकटॉक। अच्छा क्यों प्रोपेगेंडा मशीन है, क्योंकि टिकटॉक ने ऐसा एल्गोरिथम डेवलप कर लिया है जो अल्टीमेट इंटरेस्ट को डिटेक्ट कर लेता है, और बहुत ही कम टाइम में। आप अभी खोलेंगे टिकटॉक, 24 घंटे के अंदर अंदर ना वो आपकी सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेगा। इन द सेंस वो आपका माइक नहीं खोला हुआ उसने, ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी की बात है कि माइक खोला हुआ है ये किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको माइक खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपके स्वाइप जेस्चर से जो है ना वो पता लगा लेता है कि कौन सी वीडियो आपको पसंद आई है कौन सी नहीं आई, किस वीडियो पर आप कितनी देर रुके हो, किस वीडियो को आपने दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, ठीक है। लोकेशन डिटेक्ट करता है आपकी वो, और कुछ चीज़ें और, माइक नहीं खोलता लेकिन और बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है। फाइल आपके मोबाइल में कौन कौन से नाम की फाइलें पड़ी हुई हैं वो देख लेता है वो। आप जो कीबोर्ड पे लिखते हो ना जिस स्टाइल से, जो आपका लिखने का एक खास अंदाज होता है, कुछ लोग एक हाथ से टाइप करते हैं कुछ लोग दोनों से करते हैं, उस पैटर्न को वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। और इन चीज़ों को डिटेक्ट करके ना वो अल्टीमेट आपका पता लगा लेता है। वो अल्टीमेट पता लगा लेता है कि आपको क्या पसंद आएगा,
अच्छा इसके नतीजे में हुआ क्या है कि वो रातों रात जो है ना वो 3-4 बिलियन पे पहुंच गया वो डाउनलोड्स, उसके जो डाउनलोड्स हैं जो लोग यूज़र्स हैं उसके जो वो रातों रात फैल गए इतने ज़्यादा। अब अगर इसको ये कहें ना कि 50% अमेरिकन के पास टिकटॉक है उनके फ़ोन में और वो डेली यूज़ करते हैं उसको, तो ये बात गलत नहीं होगी। एग्जैक्ट तो फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन वो 8 बिलियन तो टोटल आबादी है दुनिया की, तो चाइना में ख़ुद भी 3 बिलियन तो खुद है चाइना, तो चाइना में 1 बिलियन अगर होगा मे बी, तो बाकी के लोग किधर हैं पूरी दुनिया के मिला के? तो 50% दुनिया इस वक्त टिकटॉक यूज़ कर रही है, 50% दुनिया, 3-4 बिलियन का मतलब है कि आधी दुनिया। और इतनी बड़ी तादाद में ना लोग अगर कोई एक मीडिया फॉलो कर रहे हैं, अच्छा उस पर अगर कोई एक ऐसी खबर जो चाइना चाहे कि आज क्या डेट है, आज है 12 मार्च 2023, 13 मार्च 2023 को, 13 मार्च 2023 को दिन में जिस भी वक्त कोई भी बंदा टिकटॉक खोले तो एक सर्टन वीडियो सबसे टॉप पे आनी चाहिए या दूसरे तीसरे नंबर पे आनी चाहिए, एक सर्टन वीडियो जिसमें एक सर्टन मैसेज कन्वे हो रहा है, तो वो बात आधी दुनिया में तो फैल जाएगी एक ही दिन में। इसकी पावर समझ रहे हैं आप कि एक ही रात के अंदर ना, एक ही रात में या एक ही दिन में किसी को हीरो बनाया जा सकता है या किसी को बिल्कुल ही मुजरिम बनाया जा सकता है, यही होता है ना। अच्छा ये नहीं, हाँ इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत बड़ा एक, हाँ वो उस तरह की जो चीज़ हुई थी क्या, वो एक बंदा है भाई वो घर पे अब पता नहीं जैसे बैठा हुआ है बगैर टोपी के बैठा हुआ है या उस बनियान पहन के बैठा हुआ है, अब वो उसकी पता नहीं किसी ने फ़ोटो खींच ली, वो लोगों ने चला दी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही किया और मतलब मुझे नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसमें मैं कोई ये नहीं उनकी साइड नहीं ले रहा मैं, हाँ ठीक है। अच्छा तो मतलब वही जो भी हाथ नहीं मिलाया जो भी मिलाया वो तो अब एक्चुअल केस ना मुझे पता है ना वो तो किसी को भी नहीं पता, वो तो जो दिखता है वो होता है, तो वो एक्चुअल तो मैं ना उनका मैं कोई बहुत सख्त किस्म का फॉलोअर हूँ, हाँ लेकिन अच्छी बातें करते हैं, अच्छे बंदे हैं, सब लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, तो ये वाली चीज़ है। तो मगर ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये कितने लोगों के साथ हो चुका है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, अगर आप गौर करें ना पिछले 10-15 सालों में तो ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। अच्छा लेकिन ये अब ये टॉपिक निकल के क्यों आ रहा है, वो निकल के इसलिए आ रहा है कि पहले इस तरह की मशीनें सिर्फ अमेरिका के पास थी, हाँ अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चाइना के पास भी आ गई है, चाइना ने इस चीज़ को समझ लिया और डिटेक्ट कर लिया और एक अल्गोरिथम बना लिया, ऐसा एक प्रोपेगेंडा मशीन तैयार कर ली है, अब वो उसको सस्टेन करके उसको चला रहा है वो। अच्छा अमेरिका ने उसको बैन करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोगों ने कहा कि नहीं हमें चाहिए, अब वो लोगों को ये तो बोल नहीं सकते खुल्लम खुल्ला कि प्रोपेगेंडा मशीन है, क्योंकि उससे और दूसरे मसले जन्म लेंगे, फिर वो कहेंगे यार फिर तो पूरी दुनिया को लॉक आउट कर दो अगर इस तरह का है तो। चाइना ने आज से 10 साल पहले, अभी की बात नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले चाइना के अंदर फेसबुक बैन कर दिया, गूगल पूरा का पूरा बैन कर दिया, एप्पल पूरा का पूरा बैन है वहाँ पे। एप्पल फिर बाद में वो सही हो गया, एप्पल का मसला उन्होंने बोला है कि एप्पल का जो डेटा सेंटर होगा ना जो आई क्लाउड वो हमारे मुल्क में होगा हमारा, तो एप्पल का यूज़र जो भी चाइना के अंदर रहता है या आप भी अगर चाइना में चले जाएँ तो आपका डेटा सारा का सारा फिर चाइना में सेव होगा ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट डेट एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा उसको वो ट्रेस कर सकते हैं, वो नेटवर्किंग का पैकेट ट्रेसर होता है कि मेरे फ़ोन से जो डेटा निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है ना। चाइना ने अपने बॉर्डर पे, एक तो ज़मीनी बॉर्डर होता है, एक होता है इंटरनेट की तारों का भी एक बॉर्डर होता है, यार यहाँ तक पाकिस्तान की हदूद है, यहाँ से बाहर अब ये सबमरीन में चली गई, तो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी उन्होंने ये वाली भी लगाई हुई है, सबने लगाई हुई है भाई, हमने भी लगाई हुई है, तो वो उस बॉर्डर सिक्योरिटी से ना डेटा बाहर जाने नहीं देता एप्पल का या किसी का भी डेटा, जो वो कहता है कि भाई चाइना के अंदर होना चाहिए, तो नतीजतन एप्पल वहाँ चलता है लेकिन एप्पल की ज़ाहिर है वो सारी सर्विसेज नहीं चलती, फ़ोन लेकिन चलता है, उसका आई क्लाउड का डेटा वहीं स्टोर होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड विदाउट गूगल, चाइना में वर्ल्ड विदाउट गूगल, हाँ उन्होंने क्या किया वो उसके रिप्लेसमेंट में अपना बना लिया, लेकिन तो यूट्यूब नहीं है वहाँ पे, गूगल की कोई सर्विस नहीं है तो यूट्यूब वगैरह सब उसमें शामिल है, एंड्रॉयड सब उसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा वो आपका यानी यहाँ से आप एंड्रॉयड का फ़ोन लेके जाएंगे ना वहाँ पे चलता हुआ फ़ोन,
वहाँ जाके कोई काम नहीं करेगी चीज़, ना आपका गूगल सर्च काम करेगा, ना आपका वो न्यूज़ फीड चलेगी गूगल की, कुछ भी नहीं चलेगा, फेसबुक भी नहीं चलेगा, कॉल चलेगी बस वो भी उनके सिम से चलेगी। हाँ व्हाट्सएप उन्होंने बंद किया है, व्हाट्सएप नहीं चलता वहाँ पर। किनका चैनल है या तो वो VPN लगा के कुछ जुगाड़ करके चलाता होगा, लेकिन वो अरेस्ट कर लेते हैं, बड़े सख्त हैं भाई वो इस मामले में, या तो वो अमेरिका में रहता होगा, अमेरिका में चाइनीज़ बहुत हैं भाई दोनों पूरी दुनिया में। अब ये भी एक अलग से बात है कि अमेरिका में और पूरी दुनिया में चाइनीज़ हर जगह क्यों है, वो भी एक अलग चक्कर है। चाइना पता नहीं कुछ प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। अमरीका में इतने ज़्यादा चाइनीज़ मौजूद हैं और इतना चाइनीज़ कैपिटल लगा हुआ है ना कि अगर चाइना ने कैपिटल अपना निकाल लिया ना अमरीका से, तो अमरीका की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये भी बात कनाडा में भी ऐसा ही है, पूरे उन्होंने जैसे समझ लो पूरे टाउन बनाए हैं जहाँ पे वो सारे लोग हैं और उनका इन्वेस्ट हुआ है कैपिटल सारा। तो अब पॉइंट ये है कि अमेरिका के पास ये प्रोपेगेंडा मशीन यूट्यूब की सूरत में, फेसबुक की सूरत में सालों से, चाइना ने उसको बैन कर दिया बगैर कुछ बोले, क्योंकि चाइना में एक डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में जो कम्युनिज़म है, ठीक है, अभी वो मानते नहीं है कि हम कम्युनिस्ट हैं, ना वो डेमोक्रेट मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं। मतलब आप अगर पूछेंगे आपके कम्युनिस्ट हो, आप वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो कम्युनिज्म है मोस्ट ऑफ। मतलब आवाम ये नहीं निकल सकती रोड पे निकल के बोले कि यार इसको ऑन कर दो, फेसबुक क्यों बंद कर दिया ऑन कर दो, गवर्नमेंट बोलती है हमारा फैसला आखिरी फैसला, दैट्स इट। तो उन्होंने सारा बंद कर दिया आज से 10 साल पहले। तो वो इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये कर क्या रहे हैं, ये सोशल मीडिया जो है ना ये सिर्फ ऐसा लगता है कि लाइट वेट है कि आपने कुछ डाल दिया, चार लोगों ने लाइक कर लिया, नहीं वो तो आपने जो डाला है वो चार लोगों ने लाइक किया ना, लेकिन किसी एक पोस्ट को लाके टॉप पे खड़ा करना पूरी दुनिया में एट द सेम टाइम या डिफरेंट मौक़ों पे, कोई मसले की बात है, किसी एक ख़ास किस्म की न्यूज़ सिर्फ कराची में टॉप पे वो आ जाए, है ना, किसी मिसाल के तौर पे किसी पठान ने कोई लड़ाई हुई और किसी बंदे को उसने मतलब गोली गोली मार दी, इस तरह कुछ हुआ, अच्छा अब वो वीडियो टॉप पे अगर आ जाए ना एक दिन सुबह सुबह लोग उठें फेसबुक पे और क्या कहते हैं जो भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है यूट्यूब पे, वो वीडियो आपको सजेशन में आए, अच्छा आपको पता थोड़ी चलेगा कि वो खुद से आ रही है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे व्यूज़ अड़े, इसमें तो 500 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं या इसमें 500K व्यूज़ हो चुके हैं एक ही दिन में, तो सजेस्ट तो करना ही चाहिए उसको, है ना, आपको लगेगा यार सजेस्ट तो करना ही चाहिए क्योंकि वो दिखाए थे लोगों को, तो जाहिर है वो व्यूज़ तो उस पर काउंट होंगे या वो व्यूज़ काउंट दिखा देगा, व्यूज़ काउंट तो आपको थोड़ी पता है कि वो एक्चुअल दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है। तो एक दिन सुबह सुबह सब लोग उठें और वो वीडियो उनको सामने देखने को मिले, एकदम सब लोगों में गम और गुस्सा की लहर दौड़ेगी और सारे मिल गए ना जितने पठान हैं सबको कूटना शुरू कर देंगे। ये हुआ है ना कई दफ़ा हुआ है ये हमारे मुल्क में। तो ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज़ ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा, मास कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। उसमें अब साइबर अटैक भी शामिल है, उसमें ये टेक्नोलॉजी भी शामिल है, उसमें अब ये चैट GPT उसमें अब क्या रोल अदा करेगा ये तो अल्लाह ही जाने, अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये रोल अदा करेगा बिल्कुल, ठीक है। मिसाल के तौर पे चैट GPT से जब आप पूछेंगे ना कोई बात, तो वो जवाब जो दे रहा है तो उसको टेलर तो किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता टेलर बस। अच्छा और आपको मैं अभी एक चीज़ और बताऊं, आपको शायद पता नहीं ये बात समझ आए या ना आए, कम्युनिकेशन की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, कि एक बंदा डायरेक्ट किसी बंदे से बात कर रहा है, ठीक है, ये वर्बल कम्युनिकेशन एक होता है, ठीक है। अच्छा एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, कि जैसे मैं बात करते हुए हैंड जेस्चर का यूज़ कर रहा हूँ, एक बॉडी लैंग्वेज होता है XYZ के, वो कोई लाल बत्ती जली हुई है तो आप समझते हैं खतरा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये तो एक तरफ है सारी। अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि बोल रहा है बंदा जो, अच्छा अगर 1-to-1 कर रहा है तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन है, अगर वो 1-to-many है तो वो मास कम्युनिकेशन है। अच्छा मास कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है एक बंदा 10 लोगों से बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि एक बंदा 10 करोड़ लोगों से बात कर रहा हो, या एक बंदा 2 अरब लोगों से बात कर रहा हो, मास में ही काउंट होगा। अब कम्युनिकेशन जो है ना वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि ये वर्बल और नॉन वर्बल का कॉम्बिनेशन जो है ना बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में इसका सबसे बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पे इसको आप अलग अलग नामों से आपने सुना होगा, इसको ब्रेन प्रोग्रामिंग आपने वर्ड सुना होगा, है ना,
एक और भी होता है कि वो आपने अक्सर वो स्टेज शो वगैरह पे देखा होगा, बच्चे मैजिक दिखाते हैं कि वो कहते हैं यार आप इसमें से ना कोई पिक्चर सेलेक्ट करो, तो बंदा एक पिक्चर सेलेक्ट करता है। अच्छा, उसने वो चीज़ ना पहले से एक बुक में ऐसे बना के रखी होती है, वो कहता है ये देखो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, आपने सेलेक्ट तो अभी किया है लेकिन मैंने पहले से बना के रखी है। वो असल में पता कैसे होता है, वो असल में ऐसे होता है कि एक सर्टन बंदे को 4-5 दिनों तक ना कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक ने डिस्क्लोज़ भी कर दिया था स्टेज पर, कह रहा था कि आप जब जहाँ पे से आप निकलते हो ना, वहाँ पे जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके आप अपने घर से निकलते हो, तो वहाँ पे मैंने बोर्ड पे ना ये सूरज की पिक्चर बनाई हुई थी, फिर आप जहाँ पे गाड़ी यहाँ पे आप जहाँ पे पार्क की है ना आपने, तो वहाँ पे भी मैंने एक येलो कलर का कुछ बनाया हुआ था सीन, वो चिपकाया हुआ था वहाँ पे। कह रहा फिर जब आप अंदर आ रहे थे ना, तो अंदर आते हुए वो बच्चा खड़ा होता है, जैसे वेलकम करते हैं ना बंदा, वो होस्ट है भाई, जज है वो इतने बड़े शो का, तो वो लाइन से खड़े होते हैं लोग हाथ मिलाने, तो वहाँ पे पोस्टर लेके एक बच्चा खड़ा हुआ था, कह रहा था ये पोस्टर आप मैंने आपको दिखाया। फिर आप अंदर आने लगे ना, तो अंदर भी पता नहीं कुछ था, और कह रहा फिर मेरा शर्ट है ये ग्रीन कलर की है, ये आपको आखिरी चीज़ ये दिखाई है मैंने। तो इन सारी चीज़ों को करके ना आपके ब्रेन ने जो प्रोसेस किया, इसलिए आपके ब्रेन ने इस इमेज को सेलेक्ट किया, समझ रहे हो। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी, जिससे सामने वाले के ब्रेन को आप ट्रिक कर लेते हैं कि वो एक सर्टेन चीज़ को सेलेक्ट करें। अच्छा, अब ये वर्बल के साथ मिक्स होके भी आती है ज़्यादातर, ये जो कहते हैं ना कि जो टीवी पे ये प्रोपेगेंडा, ये वाला तरीका जो है वो बरसों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है ये। या अगर यूं कहें कि अमेरिका के सुपर पावर बनने में भी शायद इसका हाथ था, तो शायद गलत नहीं होगा। तो आपको एक वीडियो दिखाई जाती है किसी भी मीडियम से, टीवी से, कहीं से भी, किसी भी जगह से, उस वीडियो को देखने के बाद ना, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर मेनली जो प्रोपेगेंडा जो है, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा थोड़ी है वो आप वो सीन देखते हैं, आपका ब्रेन एक सर्टेन चीज़ उससे कंसीव करता है, और वो चीज़ कंसीव करने के बाद ना एक सर्टेन एक्शन आप लेते हैं। तो ये पूरा जो ड्राइव है ना पूरा, कि आप किसी चीज़ को देखने या सुनने से लेके आपका ओपिनियन मैनिपुलेट करने से लेके और फिर आपके एक्शन लेने तक, ये पूरा साइकिल है ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। अब ये आप देख लें, टिकटॉक भी उसमें पूरा फिट आ रहा है, फेसबुक को हर थोड़े दिन पे ना ये अभी बुला लेते हैं कि यार इस पर फेसबुक पे बिला वजह की एलिगेशन लगाते रहते हैं कि भाई डेटा बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। वो इसलिए बुलाते रहते हैं कि लोगों को लगे नहीं यार इन पर तो बड़ा सख्त चल रही है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है, वो बेवकूफ़ी की बात है, ऐसे ही बस ड्रामेबाजी। यूट्यूब को कभी नहीं बुलाया लेकिन उसको भी बहुत जल्दी वो देखना बुलाना शुरू कर देंगे ये, अगर टिकटॉक जैसी कोई कंपनी आई ना, बना रहे होंगे कुछ ना कुछ ये। अभी देखो YouTube ने शॉर्ट्स फौरी तौर पे लॉन्च किए, फौरी तौर पे, जैसे ही TikTok आया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही, बल्कि 6 महीने से भी कम टाइम में फौरन उसने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिए थे, और वो कंटिन्यूसली उसको मिमिक कर रहे हैं उनके वाले तरीके को जो वो करते हैं। रील सब जगह आ गए, सब ने एक साथ किया, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। अच्छा, अगर इन कंपनीज ने सिर्फ ये देख के नहीं किया कि वो एकदम इतना ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आ गई है, ट्रैफिक इज़ नथिंग, जो हमें दिख रहा होता है ना कि इतनी ट्रैफिक आ गई, वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती असल में तो वैल्यू थी परमानेंट यूज़र की। तो इनके पास तो परमानेंट यूज़र हैं, इनको तो कोई थ्रेट होना ही नहीं चाहिए उससे, इनके पास तो परमानेंटली आता है यूज़र। अगर इनको ये डर था कि वो चला जाएगा तो भी ये स्ट्रैटेजी बनाते कोई, लेकिन ना इन्होंने उस टिकटॉक के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा किया, ना इन्होंने जो है वो कोई दूसरी बात की, बैन करने की कोशिश की, नहीं कर सके, छोड़ दिया, फौरन अपने प्लेटफॉर्म पे सारा लॉन्च कर दिया। अच्छा, और मेन स्ट्रीम से कोई बात नहीं आ रही इस हवाले से, लेकिन वो रिटायर्ड बंदे ना, वो इधर उधर पॉडकास्ट में जा रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं इसके हवाले से, ठीक है। तो बहुत बहुत सेफ खेल रहे हैं अभी फिलहाल ये। अच्छा, तो ये फ्यूचर ना ये होने वाला है कि अब आप चैट GPT, क्योंकि जब इतनी बड़ी दुनिया है ना, वो चैट GPT से बात करेगी, तो एक आर्टिकल आपने मिसाल के तौर पे लिखवाया चैट GPT से, तो उस आर्टिकल में ना आपको पता है कि एक्सेंट एक चीज़ होती है, चैट GPT अभी फ़िलहाल एक्सेंट चेंज कर देता है, ठीक है। एक्सेंट वो एक टोकन का चक्कर है एक्सेंट के, कौन से वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, कौन से वर्ड ब्रिटिश एक्सेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। तो मैं एक जुमला लिखूंगा और मैं बोलूंगा भी कन्वर्ट दिस इनटू अमेरिकन एक्सेंट, तो वो कर देता है, या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, तो वो कर देता है। तो इसी तरह ना, जो लिखी हुई चीज़ होती है उसको पढ़ने का भी ना एक असर होता है आपके ऊपर, कोई ख़ास वर्ड आप पढ़ते हैं तो वो कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं आपके अंदर, तो वो
शेडो होता है, हर टेक्स्ट का एक अपना शेडो होता है जो आप पे वो छोड़ के जाता है। तो वो टेक्स्ट या वो वीडियो या वो मूवी जो है ना जो आप उससे जनरेट करवाएंगे, तो ये एक अल्टीमेट वेपन भी हो सकता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, ठीक है। तो ये वो सारे इम्पैक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप इस फील्ड में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ओपन एआई की बात करें तो इससे हम ना एग्जैक्टली वो जुमला नहीं जनरेट करवा सकते जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ट्रेनिंग डेटा में, मिसाल के मुझे कि रेस्टोरेंट का अगर बनाना है चैटबॉट, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेनिंग डेटा में ना पूरा टेक्स्ट लिख दूंगा, जो उसके मेन्यू का टेक्स्ट पूरा कॉपी करूँगा, टेक्स्ट वर्जन उनके मेन्यू का, और वो उसको मैं ट्रेनिंग पे दे दूँगा। अब फिर मैं उससे बोलूँगा कि भाई हेयर इज़ द ट्रेनिंग डेटा और प्रिटेंड लाइक यू आर वेटर इन दिस, या यू आर क्या फ्रंट डेस्क पर्सन इन दिस रेस्टोरेंट। कि अब वो फ्रंट डेस्क प्रिटेंड करके अब रिप्लाई करेगा सारा, लेकिन हम उसको ये एग्जैक्ट जुमला नहीं बता सकते कि यार ये बोलना या ये बोलना, क्योंकि वो तो जनरेटिव है ना, वो तो खुद जुमले लेकर आएगा। अब वो जुमले को कैसे वो टेलर करके सामने से देता है, इस पर हमारा कंट्रोल एज अ डेवलपर नहीं है, उन्हीं का कंट्रोल है। अच्छा, उनकी मशीन पे चल रहा है, ओपन सोर्स भी है, लेकिन ओपन सोर्स का मसला ये है, जैसे मैंने बताया, वो अपनी मशीन पे कौन उसको चलाएगा। तो अच्छा, सब कुछ भी ओपन सोर्स नहीं है, कुछ हद तक ओपन सोर्स है, लेकिन ज़ाहिर है सारी चीज़ें ओपन सोर्स नहीं है। अंदर उनके क्लाउड में क्या आर्किटेक्चर चल रहा है, हम जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है वो किन जगहों से फ़िल्टर होकर आ रहा है, ये तो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे तो लगेगा मैं एक्चुअल एल्गोरिथम से बात कर रहा हूँ, हर दफ़ा वो अलग जवाब देता है। वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि ओपन सोर्स और API को साइड बाई साइड चला लें, ये वेरीफाई तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो हर दफ़ा अलग जवाब देता है, जुमले चेंज होते हैं हर दफ़ा। तो वेल, अब ये तो वक्त बताएगा। तो चैट GPT 4 आ रहा है भाई, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जिस दिन ये रिलीज़ होगा, ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन तो इसकी वही रहेगी मोस्ट प्रॉब्ली, थोड़ी बहुत शायद चेंज होगी जो भी। तो जिस दिन ये रिलीज़ होगा ना, उसके अगले 2-3 दिनों में उसकी आप लोगों को पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेनी है। अच्छा, मार्च में ये रिलीज़ होने जा रहा है, कितना मार्च उन्होंने बोला है डेट, अगले हफ्ते बोला है ना, तो आज एक संडे है, इसके बाद जो संडे आएगा, हाँ अच्छा, इसी वीक के अंदर अगर हो जाता है, तो जो संडे आएगा ना उसके बाद, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने चैट GPT 4 पे प्रेजेंटेशन बना के लानी है कि चैट GPT 4 है क्या, इससे क्या होता है, इसके अपसाइड डाउनसाइड्स क्या हैं, और कुछ एक दो एग्जांपल भी अगर बना पाएँ तो बना लें। अच्छा, नया अकाउंट बनाएंगे, $18 फ्री देता है वो, उससे करना है जो भी करना है जी। फिर कैसे करता है, वैसे ही तो करता है, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने उसको अपना, मेरे पास जो जो प्रोडक्ट है उसका एरर दे भी दिया उसको, तो एट द एंड जो है वो मुझे, यानी कि उसका पैरामीटर उस पे ये सारे जो सीन हिसाब किताब ये तो नहीं मिलते उसके अंदर, वो तो सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में दे रहा होता है। नहीं, वो आपने उसको यूज़ नहीं किया, मिलते हैं एंटिटी एक्सट्रैक्शन के नाम से टॉपिक है इनके डॉक्यूमेंट्स में, आप देखेंगे ना, एंटिटी एक्सट्रैक्शन है कि आप एक जुमला बोलेंगे उसमें से एंटिटी निकाल लेता है ये। डायलॉग फ्लो बिल्कुल जैसे चल रहा है ना, सेम वही है, मतलब डायलॉग फ्लो भी है और एडिशनल चीज़ें भी हैं। फाइन ट्यूनिंग कुछ नहीं है, वो जो ट्रेनिंग डेटा जो हम साथ में देते हैं ना प्रॉम्प्ट में, कि भाई प्रिटेंड यू आर दिस 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 एंड आंसर, वो ट्रेनिंग वाली बात जाहिर है, अगर रेस्टोरेंट का मैं बना रहा हूँ तो वो तो 20-25 लाइनों का मेन्यू होगा ना कम से कम, वो हर दफ़ा मैं भेजूंगा तो टोकन ज़ाया होते हैं, तो उसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं और उस फाइल का नाम भेजते हैं, जितना भी दे सकें आप दे सकते हैं। ट्रेनिंग डेटा में अब यहाँ ये अब एक बात है ना कि अब वो ट्रेनिंग डेटा कैसे जनरेट होगा, कैसे डिज़ाइन होगा, अंडर द हुड टेक्नोलॉजी क्या चल रही है ना वो आपको पता होगी तो आप सही डिज़ाइन करेंगे वो, तो मे बी आपने जो है वो ट्रेनिंग डेटा में कुछ गड़बड़ कर दी हो। ट्रेनिंग डेटा किसमें बनाया था, JSON-L फाइल जो उसमें बनाया था, CSV एक्सेल के सॉफ्टवेयर पर CSV बनाया था या हाथ से बनाया था, उसमें जो है उसको कन्वर्ट किया था, काफ़ी टाइम हो गया, एक दो हफ्ते हो गए, तो
वो CLI से कमांड चलाते हैं, वो पूरी फाइल का नाम भेजते हैं, तो वो अपलोड हो जाता है, फिर प्रोसेसिंग चलती है, प्रोसेसिंग करके फिर उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम उसका लगा के भेज रहे हो। अच्छा, वो उस पर सही काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा तो करेगा ना, वो उसके अलावा वो करेगा बात है, या तो उसको रोकना पड़ेगा उस डेटा में आप लिख के दें कि यार इसके अलावा कोई बात ना करो, और या तो उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा ट्रेनिंग डेटा में। लेकिन वो फैक्ट एंड फिगर्स जो है ना, वो ट्रेनिंग डेटा में असल हमें देने होते हैं कि भाई अब मैं उसको बोलूँगा ना कि तू वेटर है रेस्टोरेंट का, प्रेटेंड यू आर वेटर ऑफ रेस्ट, तो वो वेटर वाली सारी तो वो समझ आ गई उसको कि हाँ अब वो हाँ अब वो वेटर वाली चीज़ें तो आ गई सारी, लेकिन अब वो रेट्स किस चीज़ के क्या है, डिशेस कौन सी अवेलेबल है कौन सी नहीं अवेलेबल है, तो ये तो उसको नहीं पता ना। ये तो इंटरनेट, ये तो जनरल चीज़ तो नहीं है ना, वेटर कैसे बिहेव करता है दिस इज़ जनरल चीज़। अच्छा, सर, इसमें जो है ना वो एक चीज़ लग जाती है जिसको हम कहते हैं, एक मिनट यार, वो मैंने कहाँ रखा था मैं भूल गया, एक मिनट, वो मेरे फ़ोन में अभी, मैं वही अभी एक चीज़ मुझे याद आई अचानक, वो मैं जब इसका आउटलाइन बना रहा था ना, तो मैंने एक वो डॉक्यूमेंट तैयार किया था साथ में, उसमें मैंने ये वाली सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वेल, अभी मैं मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन असल में ना इसमें क्या होता है कि आप ट्रेनिंग डेटा इसको दे देते हैं, तो मे भी जैसे तुम कह रहे हो ना कि डेटाबेस में तुम्हारे कुछ डेटा अगर है, तो वो क्या करोगे आप कि उस डेटा को आप API कॉल करके मंगवाओगे, आप CSV फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसको और इसको ट्रेनिंग दे दोगे आप। वंस वो ट्रेन हो गया उस पर चलता रहेगा वो, उस पर वो अगर कोई डेटा अपडेट होता है आपके डेटाबेस में, तो वो दोबारा डेटा ला के दोबारा इसको ट्रेनिंग की फाइल नहीं बनेगी, फिर न्यू फाइल बनेगी, ऐसे करके होता है। ठीक है, अच्छा, एंटिटी एक्सट्रैक्ट हो जाती है इसमें, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना वेबहुक वाला काम, वो मुझे पता नहीं है कि इसमें होता है कि नहीं होता। मे भी जैसे अब डायलॉग फ्लो में हम करते हैं ना कि भाई जवाब तो तैयार हो गया कि जवाब देना ये वाला है, लेकिन मैं उसको वेबहुक से कुछ टेलर कर सकूँ, वेबहुक पे उसको ले जा सकूँ मैं, लेकिन असल में तो वेबहुक की ज़रूरत उसमें इस वजह से है ना डायलॉग फ्लो में कि वो उसमें कंस्ट्रक्ट करना होता है जुमला, इसमें कंस्ट्रक्ट हमें नहीं करना होता, तो शायद इसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं है वेबहुक की, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि ये देता है या नहीं देता। अभी तो खैर वो 4 आ रहा है, तो 4 में शायद वो API भी थोड़ी चेंज हो इसकी, आई एम नॉट श्योर, बेसिक तो वही रहेगा क्योंकि अप्रोच सेम है। अच्छा, मैंने ढूंढा भी कोई वाइट पेपर वगैरह मिल जाए 4 का, लेकिन मुझे मिला नहीं कोई ऑनलाइन ना, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं, लेकिन कुछ वो भी माइक्रोसॉफ्ट के जर्मनी वाला था, हाँ, तो वो उसने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, वो किसी न्यूज़ एजेंसी ने जो है वो पब्लिश किया है वो आर्टिकल, वो ये है तो हाँ, तो बस ये है कि जब वो रिलीज़ होगा तो फौरी तौर पे क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना इसके, 9 मार्च निकल गई, 14 है ना, इसमें वो डेवलपर क्यों नहीं आ रहा, डॉक्स सही है, ये इसके डेवलपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साइड में ना गेटिंग स्टार्टेड का पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन आपने पढ़ना है, और ये गाइड है उसके बाद, ये गाइड मैंने जो कम्प्लीशन वाला है ना, टेक्स कम्प्लीशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ जाएगा तो सभी समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, चैट कम्प्लीशन करके अभी एक नई चीज़ देख रहा हूँ मैं, जो ये पहले नहीं थी यहाँ पर, जब मैंने लास्ट, हाँ ये बीटा भी लिखा हुआ इसके ऊपर, ये चीज़ नहीं थी यहाँ पे, इमेज जनरेशन है, तो ये 3-4 चीज़ें करता है, टेक्स्ट कम्प्लीशन, कोड कम्प्लीशन, इमेज जनरेशन। ठीक है, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, और अभी चौथा आज देख रहे हैं हम, चैट कम्प्लीशन भी इसके अंदर है, कि आपने एक चैट लिखी यू, और उसके बाद वो रोबोट कुछ उसका जवाब देगा, जो हम चैट GPT में एक्चुअली कर रहे होते हैं। फ्री हो जाएगी, अभी नहीं होगी, लेकिन
फ्री हो जाएगी अल्टीमेटली, अभी नहीं होगी। अच्छा फ्री तो ये है ना, एज अ कंज्यूमर तो फ्री है ये, नहीं बेसिक कहाँ दे रहा है, पूरा दे रहा है सब कुछ, जनरल पर्पस है ना वो तो। नहीं वो वाली तो एज अ डिवेलपर आप API के थ्रू जब इसको यूज़ करोगे वो तो कभी भी फ्री नहीं होगा, वो तो कम हो जाएगी प्राइसिंग, फ्री कभी नहीं होगा वो। जैसे अभी गूगल है ना, देखो गूगल आप यूज़ करते हो आपसे पैसे नहीं मांगते, गूगल फ्री चलाते हो आप। अच्छा हर डिवाइस में बिल्ट इन डायरेक्ट गूगल खुलता है, तो थोड़े दिनों में इनका भी यूज़र इंटरफेस गूगल जैसा बन जाएगा, सिंप्लीफाइड, और हर डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ये हुआ करेगा, अगर हुआ तो। आई एम नॉट श्योर कि ये होगा या नहीं, इसमें अभी टाइम है थोड़ा, तो क्या कहते हैं, हर डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ये खुला करेगा, जो भी आप लिखेंगे सर्च करेंगे डायरेक्ट ChatGPT पे वो खुलेगा और वहाँ से आंसर आएगा। मतलब इस वक्त मैं क्या करता हूँ, हाँ मैंने वो यूज़ नहीं किया बिंग वाला, बिंग असल में उसमें लिमिट किया हुआ है ना, 3-4 रिस्पॉन्सेज पर लिमिट किया हुआ है, तो वो अभी अब असल में वो लोगों को अभी समझ नहीं आया कि वो होगा कैसे, तो मैं लोगों के वो देख रहा था रिव्यूज़ उसके बारे में इंटरनेट पर, तो लोगों ने उसको यही बोला हुआ था कि यार वो ना अभी नहीं पकड़ पा रहा सही कॉन्टेक्स्ट, तो अभी कर रहे हैं लेकिन उस पर वो लगे हैं। 4 में मोस्ट प्रॉब्ली उन चीज़ों को इम्प्रूव किया उन्होंने, सही है, जो लोगों ने पता नहीं क्या बोल दिया कि बगैर डायरेक्टर के बगैर एक्टर के मूवी बन जाएगी, अभी वो टाइम है उसमें थोड़ा, नहीं मतलब बनेगी तो। अब देखो आप इमेज जनरेशन जो ये करता है, वो इमेज तो जनरेट करता ही है, लेकिन वो इतनी यूज़ेबल नहीं है इमेज फ़िलहाल के लिए, सही है, होगा तो सही तो। लेकिन अब जैसे मूवी जनरेशन की बात है, हमने लास्ट इसी क्लास में इमेज जनरेट करके हमने देखी थी कि वो क्या इमेज जनरेट करता है, देखी थी ना, मैंने कहा कि यार एक रेस्टोरेंट में 4 बंदे बैठे हुए हैं टेबल पे और पीछे TV लगा हुआ बड़ा सा, अब वो उसने जनरेट तो कर दिया, अब वो TV नहीं, ChatGPT में इनका डाले जो है ना वो ओपन आई है ना, वो भी लेयर है उसके ऊपर, एक लेयर ChatGPT एक लेयर ओपन डाले है, चीज़ अंदर तो एक ही है। नहीं वो ओपन AI बेस्ड है या कुछ और है, वो अलग है, लेकिन है यही कि वो आप उसको टेक्स्ट देते हो और वो इमेजेस जनरेट करके देता है और वो बेस्ट चल रहा है मार्केट के अंदर इमेज जनरेशन के अंदर। अभी ट्राई कर लें, डिस्कॉर्ड टेक्निकली डिस्कॉर्ड पे चल रहा है, मैं तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें दे रहा कि आप अपनी इमेज दे दोगे ना उसको, वो उसको डिजिटल आर्ट करके दे देगा। नहीं वो तो कर लेगा, नहीं मैं फ्रॉम स्क्रैच, मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल बनाऊंगा, नहीं बना रहा ना यार, मिड जर्नी अब मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, अगर तुम्हारे पास हुआ ना तो मुझे भी चेक करना, नहीं डिस्कॉर्ड इंस्टॉल नहीं है ना इसके ऊपर। अच्छा मिड जर्नी लिख देता हूँ मैं, ये रहो मिड जर्नी, यही है देखो, अगर तो ये डाले, अगर तो ये वाला वो है ना, अच्छा ये मैंने यूज़ किया हुआ, मुझे भी ये देख के याद आया, ये जो एनिमेट कर रहा है ना इसको देख के मुझे याद आया। अच्छा गेट स्टार्टेड, अच्छा ये तो बीटा है फिर, नहीं मगर ये मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे याद पड़ रहा है ये मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इसका मिला हुआ होगा मुझे, इनवैलिड इनवाइट। अच्छा डिस्कॉर्ड पे मैं पता नहीं किस नाम से हूँ, वेलकम बैक, ओके अब मैं इस पर पता नहीं किस नाम से हूँ, एक मिनट, मैंने फ़ोन पे भी शायद डिस्कॉर्ड किया हुआ, हाँ फ़ोन पे किया हुआ मैंने। अच्छा ये कैसे होगा, स्कैन कैसे होगा ये, सेटिंग ये रहा QR स्कैन, हाँ लॉग इन कर दिया मैंने इसको, pick this
चलो भाई ये मैंने एक्सेप्ट किया हुआ था और ये आ गया मेरे पास। अच्छा ये जो लोगों ने पहले से जनरेट किया हुआ वो आ रहा है ना, ये न्यूबीज के अंदर जाएंगे ना, तो उसके अंदर क्या है न्यूबीज, ये आपके नेविगेशन बार के अंदर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट जो नेम आ रहा है ये वाला सर, लेफ्ट के सर का आगे आ रहा है, प्लस साइन जो है ये जो टेबल आ कहां दिख रहा है, प्लस हां इसी सेक्शन के अंदर नीचे न्यूबीज आ रहा है, न्यूबीज 20 है इसके नीचे। हां ये वाला अच्छा, तो जो नए बंदे आएंगे वो इधर आएंगे। हां यहां से आप जो जनरेट कर दे रहे हो, अच्छा ये कंटीन्यूअसली लोग जनरेट कर रहे हैं। हां ये कंटीन्यूअसली चल रहा है, सही है। अच्छा सो प्रॉम्प्ट इसके साथ है, हां मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं अभी, मेक मी आई यूजिंग के साथ होता है, सॉरी इमेजिन में इसका एक प्रॉम्प्ट है उसके अंदर देना होता है इसको। अच्छा हैशटैग इमेजिन बैक स्लैश इमेजिन है, यार इन लोगों ने तो ये नहीं लगाया भाई इमेजिन, नहीं ये नजर नहीं आता है इसमें, वरना इसको आप पहले वो पूरा मिटा दें टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है वो पूरा डिलीट कर दें, हां सिर्फ लिखे इमेजिन। हां अच्छा मेक मी अच्छा मेक मी लिखूंगा फिर मैं डिजाइन या क्रिएट, मैं लिखूंगा इमेजिन अ यूट्यूब थंबनेल ना, ऐसे होगा ये जुमला। फोर पीपल सिटिंग इन रेस्टोरेंट टेबल विद अ बिग टीवी बिहाइंड देम, one of them is using नहीं फोन पे कुछ क्या using YouTube ने किसी using WhatsApp कर देता हूँ अभी, मैं भूल गया कि फ़ोन पे मुझे क्या उसमें दिखाना था, WhatsApp one of them using WhatsApp on his phone, एक्सेप्ट का है ओके। कहाँ गया मेरा वाला, ये वाला अबे यार मैं पता है क्या इमेजिन कर रहा था, ये कुछ और बना दिया इसने, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि मतलब दूर का शॉट होगा पीछे जैसे प्रोजेक्टर बड़ा टीवी लगा हुआ होगा, अब मैं इस स्टडी है ना उसके अंदर ये कि इसको आपको जितना इसको स्पेसिफाई करके बताएंगे ना इसके प्रॉम्प्ट्स ये उतना करेगा, मिसाल के तौर पर इसको लाइटिंग इसके सिनेमैटिक्स और ये सारी चीज़ें जितना इसको बताएंगे फिर वो उसके हिसाब से देगा भाई, वो डाले टू भी इतना ही करके दे रहा है। अब देखो मुझे ना मिसाल के तौर पर किसी मुझे भी याद आ गया वो यूज़ केस क्या था, वो यूज़ केस ये था कि मुझे अगर किसी रेस्टोरेंट के लिए वो जो हैंड आउट होता है ना उसका मेन्यू होता है उस पर लगाने के लिए मुझे एक फ़ोटो चाहिए कि भाई उसमें लोग बैठे हुए हैं पीछे टीवी चल रहा है, लोग एक लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है, ये तो अभी टाइम लगेगा उसको। देखो इस तरह की जो चीज़ है ना ये सिंगल सिंगल वाली ये तो मतलब सही है, ठीक है इसका इसकी खैर है सही है। वेक्टर आइकन्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन वाइट बैकग्राउंड, अब देखो ये वेक्टर ग्राफिक्स क्या बनाया इसने, इसकी एक साइट भी है बट जर्नी प्रॉम्प्ट्स के नाम से, वहां पर इसके जो है वो प्रॉम्प्ट्स है। म्यूजिकल इम्प्रोविजन बुक कवर, वाटर ड्रॉप कंपोजिशन इन अ सीक्वेंस, अब देखो अभी तो आपको देख के लग रहा है ना यार क्या बेहतरीन बुक का कवर बनाया इसने, अब लेकिन जो जनरेट करने वाला बंदा है ना उसको पता है कि ये कितना यूजफुल है उसके लिए, उसको पता चलेगा ना। अब ये जो फोटो इसने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है इसने ये, लेकिन अब ये कितनी यूज़फुल है वो तो उस बंदे को पता होगा ना जिसने बनाई है। अब देखो इसने इतना लंबा ये लिखा है
और पता नहीं इसके मतलब का ये बना कि नहीं बना। इसकी अपनी फोटोज कैसे डिलीट कर देते हैं? अपनी फोटो भेज दो उसको। हां वो इमेज अपलोड करनी होती है इसके अंदर, तो वो यूआरएल दे दो। अभी ये तो बहुत वो है यार, इसमें तो बहुत डेटा आता जा रहा है। चलो मैं अब इसको सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ, इमेजिन अ कार दैट नेवर एग्जिस्ट। अभी कहाँ गया मेरा और वो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा, नीचे जनरेट होकर ही आएगा। नहीं ये आ गया, ये आ गया, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा जनरेट होकर। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना जनरेट होना, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। 0% 31 तो ये 62% जो होगा ये 100 तक चलेगा। ये 100 तक जाने के बाद ये तो इसका मतलब है मेरा जो पहले वाला जो था वो भी आपको 100 के ऊपर नीचे ही मिलता है। अब मैं इसमें सर्च पे मैं नहीं, ये नहीं है, क्या लिखूंगा कि मेरी वाली सिर्फ इमेजेस आ जाएं। ये मैंने ट्राई किया था, ये नहीं आ रहा। फ्रॉम यूजर, फ्रॉम यूजर और मी आपका सिर्फ मेरी है। नहीं करता है ये वन रिजल्ट दिखा तो रहे हैं आपको। आपका एक आ गया ऊपर, कहाँ पता चल रहा है? वो हाइलाइटेड ऊपर आ रहा है पर वो ही कुछ नहीं कर रहा। हाँ ये ले आया। अच्छा मगर वो मुझे पहले वाली में 60% लिखा हुआ था। हाँ, वो तो वो अब मैं कैसे देखूँ ऊपर जाकर? अच्छा ये बुक कवर इसने बना लिया। हाँ, ये इसने कंप्लीट जो सही है। मुझे अभी ये रियलाइज हुआ है कि वो 60% का मतलब है कि अभी वो बन रहा है। ये ये आपका कंप्लीट ये बना है। अब इसके अंदर लाइटिंग, फिर सिनेमैटिक्स, फिर आपको तो रियलिस्टिक चाहिए या कौन सा जो है वो ऑब्स्टिकल चाहिए ना? हाँ वो सारा आपको बताना पड़ता है। अच्छा वन ऑफ देम यूजिंग व्हाट्सएप तो ये आ गया सही, ठीक है पीछे, लेकिन टीवी तो किसी में भी नहीं है। अच्छा इसका रिजल्ट जो है ना डाले टू से थोड़ा बेहतर है, डाले टू से थोड़ा बेहतर है इसका। ये अभी पूरा हो गया ना। अच्छा ये फास्ट क्या लिखा हुआ है? फास्ट पूरा जनरेट हो गया। नहीं फास्ट मेरे ख्याल कोई एल्गोरिथम है फास्ट। अच्छा इसको मैं कह रहा हूँ कि ये U1, U2, U आप इसके हैं, इन चारों को अगर आप इसके करना है नहीं, इसकी रेजोल्यूशन आपको इंक्रीज करनी है, बड़ा करना है। अच्छा वो एक इमेज आ जाएगी, मल्टीपल वेरिएशन जनरेट करने हैं तो फिर वो नीचे वाले। मैंने कहा वेरिएशन नंबर 4 की जनरेट मारो। हाँ ये फोर्थ इमेज की वेरिएशन जनरेट करेगा और वो सबसे नीचे, वो नीचे चली जाएगी। अब ये तो बहुत इनकन्वीनियंस है यार। इसका जो पेड वाला है ना फिर उसके अंदर आपको मिल जाता है कि आपका अलग से पूरा होता है। ये फोर वाले की वेरिएशन इसने बनाना शुरू की है अभी। 0% 55% अब हो गया, नीचे गया, नीचे अच्छा वो टीवी की वेरिएशन है, वही मैं सोच रहा था वेरिएशन में क्या किया इसने, टीवी वेरिएट कर दिया। अच्छा अभी तो यार